वेलकम टू आर जनरल स्टडी वाला। आज हम क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ में लेसन नंबर 2 का बहुपद का एक्सरसाइज 2.3 पर फोकस करेंगे, जिसमें भाग विधि है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें दिया हुआ है px इज इक्वल टू x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और gx में दिया हुआ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का x, जो कि बहुपद नहीं है। अब हल पर ध्यान दीजिएगा, दिया है gx बराबर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का x, जो कि बहुपद x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जैसा नहीं है। पहले हमें इस बहुपद के जैसा बनाना पड़ेगा, जो कि है इस प्रकार हम बना सकते हैं। दिया था x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का x को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। इन दोनों को आपस में हम अपने जगह से चेंज कर सकते हैं। अब हम इसको हल करेंगे, जो कि हमने लिख लिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और अंदर एक्स 4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 5 दिया हुआ था। अब एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स 4 दिया हुआ है, तो हम एक्स स्क्वायर का इसके अंदर करेंगे गुणा। एक्स स्क्वायर का जब एक्स स्क्वायर में गुणा होगा तो हमारा आंसर आएगा एक्स 4 प्लस में, जो कि अब हम माइनस में कर देंगे और इसको हम कैंसिल कर देंगे। अब इसी एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स में गुणा करेंगे, लेकिन वो है नहीं, तो हम उसको यहाँ पे साइड में लिखते हैं, जो कि आएगा माइनस का एक्स क्यू, और उसको हम बदल देंगे फिर प्लस में। ठीक, अब इसी एक्स स्क्वायर का प्लस वन के साथ गुणा किया जाएगा। अब प्लस वन के साथ जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, और जो है हम माइनस में चेंज कर देंगे। अब हम माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर जब सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा 4x स्क्वायर माइनस का प्लस का 4x वैसा का वैसे ही लिख देंगे, और प्लस 5 भी वैसा का वैसे ही, और जो प्लस का x क्यू था वो हम उसको अब आगे लिख देंगे। ये पहली स्टेप हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब फिर से हम ध्यान देंगे x क्यू को x स्क्वायर को देखते हुए, ओनली हमारे एक x की कमी, वो भी प्लस वाले की, और हम इसका अगर गुणा करते हैं हमारा आएगा एक्स क्यू, जिसको हम बाद में माइनस में बदल के इसे काट सकते हैं, जो कि हमने काट दिया है। फिर एक्स का माइनस एक्स के साथ गुणा करेंगे तो हमारा आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और इसको फिर बाद में हम प्लस में चेंज कर देंगे, और एक्स का एक में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा प्लस का एक्स, जो कि बाद में माइनस का हो जाएगा। अब जब इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 3x स्क्वायर माइनस का, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है प्लस का 3x और प्लस का 5 हमारा वैसा का वैसे उतार दें। तो सेकेंड स्टेप भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब फिर से माइनस 3x स्क्वायर को देखेंगे तो हमारा ओनली माइनस 3 की ज़रूरत पड़ेगी। माइनस 3 को जब हम इसमें गुणा करेंगे तो हमारा माइनस 3x स्क्वायर वैसा का वैसे ही आ जाएगा, जो कि हम बाद में इसको प्लस में चेंज कर देंगे, और ये आपस में माइनस प्लस कट जाएंगे। अब माइनस 3 का एक्स में करेंगे तो माइनस का प्लस का 3x आएगा हमारा, जो कि बाद में माइनस का हो जाएगा, और माइनस प्लस के 3 और 1 का जब इंटू करेंगे तो हमारा माइनस का 3 आएगा, जो कि बाद में हो जाएगा प्लस का। अब प्लस का 3x माइनस 3x कट जाएगा, प्लस और 3 को हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। इस प्रकार हमारा शेषफल बराबर में 8 आएगा, और हमारा भागफल जो रहेगा वो रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 3। एक बार फिर से देख लीजिए, इस प्रकार हमारे क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू।